जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। ओके, आज हम बात करेंगे iOS एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल या एक कंसेप्ट है जो कंप्लीट एप्लीकेशन पे मीन्स एप्लीकेबल होता है। जस्ट लाइक एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्टिव है कि नहीं, और बैकग्राउंड प्रोसेस में चला गया कि नहीं, दीज आर द एप्लीकेशन लाइफ मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और एक लाइफ साइकिल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है इवेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मीन्स जो UI व्यू कंट्रोलर है उसका भी एक लाइफ साइकिल चलता है। वो एक्शन इवेंट्स है, मीन्स कौन कौन सा इवेंट कॉल होता है, फिर उसका सीक्वेंसेस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के ऊपर। सॉरी, सो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैंने जैसे कि डिस्कस किया था, इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स बिटवीन द लॉन्च एंड टर्मिनेशन ऑफ योर एप्लीकेशंस। ये नॉर्मली हम लोग जो लाइफ साइकिल है, तो इवेंट्स दैट अकर्स बिटवीन द लॉन्च एंड टर्मिनेशन पे, सो ये दो स्टेजेस के बिटवीन जो भी आपका एप्लीकेशन का स्टेट्स है या फिर स्टेजेस है वो अकर होता है, तो वो इन बिटवीन आप कह सकते हो लाइफ साइकिल का पार्ट हो जाएगा। मीन्स जैसे वाटर का थ्री स्टेट्स है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उस एप्लीकेशन का भी उसे मल्टीपल स्टेजेस है, ठीक है, मीन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बट बिटवीन स्टार्ट टू एंड देर आर अदर स्टेट स्टेजेस ऑल्सो अवेलेबल, मीन्स एप्लीकेबल इन द एप्लीकेशंस। सो स्टेज क्या है, एरा, देर आर फाइव डिफरेंट स्टेट्स दैट एन ऐप कैन गो थ्रू। ओके, फाइव स्टेजेस क्या है, सो स्टेजेस है, एक है नॉट रनिंग, दूसरा है इनएक्टिव, तीसरा है एक्टिव, और है बैकग्राउंड और सस्पेंडेड। ओके, बैकग्राउंड जो एप्लीकेशन क्या है, जो हम लोग एप्लीकेशन रन करते हैं या फिर बैकग्राउंड प्रोसेस पे चलता है, मीन्स बहुत सारे एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में भी चलता है। अगर आप जितना भी मैसेजिंग एप्लीकेशन हो या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, जिसका नोटिफिकेशन हमें रिसीव होता है, उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहता है। ओके, एक्टिव तो जो हम लोग को दिखता है, जो हम लोग नॉर्मली यूजफुल होते हैं, जिसका हम लोग का यूजर एक्सपीरियंस ट्राई करते रहते हैं, मीन्स जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं एक्टिवली, वो एक्टिव है, ठीक है। तो ये पांच स्टेजेस है, तो इसका जो डेफिनेशन है उसका क्या क्या, नॉट रनिंग क्या है, इनएक्टिव क्या है, एक्टिव क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सस्पेंड क्या है, सो दीज आर द स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस है। नॉट रनिंग स्टेज में क्या होता है, सो नॉट रनिंग स्टेज में क्या है, तो आप दैट हैज नॉट बीन लॉन्च्ड और टर्मिनेटेड बाय द सिस्टम, मीन्स जो एप्लीकेशन आपने टर्मिनेट कर दिया है या फिर अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, मीन्स आपने उस एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो नॉट रनिंग स्टेजेस है। सो ऐप इनएक्टिव स्टेजेस क्या है, द ऐप एंटर्ड इन द फोरग्राउंड स्टेट बट नॉट रिसीविंग एनी इवेंट्स, मीन्स आपने एप्लीकेशन तो लॉन्च तो कर दिया, मीन्स क्लिक तो कर दिया एप्लीकेशन, लेकिन आपने छोड़ दिया इसे। जैसे सपोज मैं कोई एप्लीकेशन पे क्लिक करूँ
और उसका लॉगिन स्क्रीन आ जाए, ठीक है। जैसे लॉगिन स्क्रीन आए तो मैं उसको आइडल मोड में छोड़ दूँ, ठीक है, तो वो इनएक्टिव स्टेट में हो, ठीक है। और एक्टिव स्टेज में क्या है, एक्टिव मीन्स जो एक्टिवली हम लोग यूज करेंगे, फोरग्राउंड में यूज हो रहा है, हम उसको उसका यूजर एक्सपीरियंस भी फील कर रहे हैं और उसका डाटा भी इनपुट हम लोग दे रहे हैं और प्रोसेस डाटा भी हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये एक्टिव स्टेज में चला जाएगा। बैकग्राउंड स्टेट में क्या, इन दिस स्टेट इफ देयर इज एग्जीक्यूटेबल कोड इट विल एग्जीक्यूट, एंड इफ देयर इज नो एग्जीक्यूट कोड और एग्जीक्यूशन इज कम्प्लीटेड द एप्लीकेशन विल बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। इफ देयर इज एग्जीक्यूटेबल इट विल एग्जीक्यूट, एंड इफ देयर इज नो एग्जीक्यूटेबल और एग्जीक्यूशन इज कम्प्लीटेड, मीन्स आप जो बैकग्राउंड को सपोज मैं अगर जो एग्जाम्पल दे रहा था वो एक है, और एक है एक्टिव बैकग्राउंड स्टेज में क्या होता है, जो एप्लीकेशन सपोज आपने कोई इमेजेस डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, आपने इमेज डाउनलोड किया या फिर मूवी डाउनलोड करा, डाउनलोड पे क्लिक कर दिए, फिर आप अदर एक्टिविटी में चले गए, लेकिन बैकग्राउंड में आपका मूवी या फिर इमेजेस सर्वर से डाउनलोड है, तो ये बैकग्राउंड में चलता रहता है प्रोसेसर, ठीक है। या फिर आप जो बहुत सारा एप्लीकेशन यह होता है जो उसको मीन्स क्या करते हैं उसको एक्टिवली उसको डाउनलोड करके छोड़ दिए, ठीक है, वो बैकग्राउंड स्टेज में चल रहा है। जैसे मैं कोई एप्लीकेशन मूवी जैसे डाउनलोड कर रहा हूँ और उसको छोड़ दिया, मीन्स उसको मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, आप एक्टिवली काम भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट मीन्स एग्जीक्यूटिबल भी कर सकते हो और नॉन एग्जीक्यूटिबल भी कर सकते हो, ठीक है। सस्पेंड मीन्स द ऐप इज इन बैकग्राउंड मीन्स इन मेमोरी बट इज नॉट एग्जीक्यूटेड कोड एंड इफ सिस्टम डज नॉट हैव एनफ मेमोरी इट विल टर्मिनेट, मीन्स एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन इज इन बैकग्राउंड मोड, ठीक है, आपका बैकग्राउंड मोड चला गया मीन्स मेमोरी में, बट इज नॉट एग्जीक्यूटेड कोड एंड इफ सिस्टम डज नॉट हैव एनफ मेमोरी, अगर सिस्टम में ज़्यादा मेमोरी नहीं हुआ इट विल टर्मिनेट, तो टर्मिनेट मीन्स नॉट रनिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। सस्पेंड मीन्स द ऐप इज इन बैकग्राउंड बट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग कोड, समझ गए, बैकग्राउंड में चले गए। और जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड पे हो या iOS पे, iOS का जो फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एट ए टाइम वन एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे हम दूसरा एप्लीकेशन यूज करते हैं वो प्रीवियस वन वो सस्पेंड मोड पे चला जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड मोड, ओके। सो ये रहा, ये उसका स्टेजेस है, फर्स्ट है इनएक्टिव, ये इनएक्टिव मोड मीन्स आइदर टर्मिनेटेड हो गया या फिर आपने एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया, ठीक है। इनएक्टिव मीन्स आपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया लेकिन कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं है, फिर उसके बाद एक्टिव मोड पे चला गया, ठीक है। इनएक्टिव से आप डायरेक्ट मीन्स बैकग्राउंड मोड पे चला गया, मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक तरह से इनएक्टिव में मीन्स एग्जीक्यूटिबल कोड भी हो सकता है, नॉन एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जीक्यूटिबल कोड भी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिबल भी कोड हो सकता है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव कोड है उसको बैकग्राउंड में भेज सकते हो आप, ठीक है। और सस्पेंडेड मीन्स आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर सको तो एट ए टाइम वन एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज करने के लिए प्रीवियस वन को आपको बैकग्राउंड में भेजना पड़ेगा, बैकग्राउंड में सस्पेंड मोड पे भेजना पड़ेगा। ये उसका ग्राफिकल मीन्स सीक्वेंस हुआ, नॉट रनिंग, इनएक्टिव, देन एक्टिव, देन बैकग्राउंड और सस्पेंडेड, ये कुछ ये है उसका जो मैं कहता हूँ इवेंट जो सीक्वेंस होता है ना, यूजर आपने आपने यूजर आइकन पे टैप किया, फिर मेन फंक्शन कॉल हुआ, फिर यूआई एप्लीकेशन फंक्शन कॉल हुआ, देन
मेन यूआई फाइल लोड होता है, फिर फास्ट मीन्स जो आपका फास्ट स्क्रीन हो सकता है, यूआई व्यू कंट्रोलर हो सकता है, ठीक है। देन फास्ट इनिशियलाइजेशन, फास्ट इनिशियलाइजेशन में ये एप्लीकेशन विल लॉन्च, मीन्स ऐप डेलीगेट में ये एंटर हो गया। रिस्टोर यूआई स्टेट, देन वेरियस मेथड जो भी आपका सीक्वेंस होता है ये, या फिर प्रोसेस आपका जो भी मेथड्स वगैरह आपने कुछ डाला होगा कोड, ठीक है। एंड दिस वन इज डीड फिनिश लॉन्चिंग विथ ऑप्शन, दिस वन इज द विल, विल मीन्स दिस इन फ्यूचर, एंड डीड मीन्स इट ऑलरेडी फिनिश्ड ऑल द लॉन्चिंग ऑप्शन, ठीक है। देन एप्लीकेशन डीड बिकम एक्टिव, मीन्स एक्टिव मोड पे चला गया। देन उसका आपका जो भी अपना इवेंट लूप है, ये इवेंट लूप आपका कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने एप्लीकेशन को सस्पेंड मोड पे भेज दिया या फिर टर्मिनेट कर दिया, तो इनएक्टिव मोड में चला जाएगा या फिर सस्पेंड मोड पे चला जाएगा। सो ये आपका स्टेजेस है। तो ये उसका एक दूसरा व्यू मेरी, ये देखिए एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में अगर मैं बोलूं, विल फिनिश लॉन्चिंग, डिड फिनिश लॉन्चिंग मींस फर्स्ट ये कॉल होगा, इसका आप जो भी इवेंट वगैरह लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। और डिड फिनिश मींस ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। विल टर्मिनेट और डिड मेमोरी वार्निंग मींस ये सस्पेंड मोड पे है और ये इनएक्टिव मोड पे चला जाएगा। इस तरह वो ये डिड बिकम एक्टिव मीन्स ये दोनों एक्टिव मोड पे चला गया, डिड एंटर फोरग्राउंड और डिड एंटर बैकग्राउंड, ये यहाँ तक एक्टिव मोड पे चला गया। सो ये कुछ जो आपका एप्लीकेशन का जो मेथड्स वगैरह है, ये देख रहा हूँ डिड फिनिश लॉन्चिंग, ये जो सीक्वेंस है ये मैन, ये उसका एप्लीकेशन, सॉरी ये है डेलीगेट मेथड्स है, ठीक है। ये सर ये डेलीगेट मेथड्स है, ये एप्लीकेशन डिड बिकम एक्टिव, एप्लीकेशन डिड बिकम विल रिजाइन, ये क्या दिस मेथड इज कॉल्ड एंड नोटिफाइड व्हेन द ऐप इज चेंज स्टेट फ्रॉम एक्टिव स्टेट टू इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। एक्टिव स्टेट टू इनएक्टिव स्टेट सपोज आपने आप एप्लीकेशन यूज करो या उस समय आपका कोई कॉल आ गया या फिर आप एप्लीकेशन टर्मिनेट कर दियो या फिर मोबाइल मेमोरी वार्निंग दे दिया आप टर्मिनेट कर रहे हो, तो वो इनएक्टिव मोड पे चला जाएगा। तो ये बैकग्राउंड मोड पे मीन्स द एप्लीकेशन इज कॉल्ड व्हेन एंड नोटिफाइड व्हेन द ऐप एंटर्स इन द बैकग्राउंड, मीन्स जैसे डाटा सेव हो गया, फाइल डाउनलोड हो गया, ये सब जैसे मैं बोला था वही, ठीक है। इमेज डाउनलोड हो गया, मूवी डाउनलोड कर रहा, ये सब बैकग्राउंड प्रोसेस में इजीली होता है। एप्लीकेशन विल एंटर इन द फोरग्राउंड, फोरग्राउंड मीन्स आप मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहा है या फिर आपने फिर कोई एक एप्लीकेशन यूज करके टैप किया फिर वो उस एप्लीकेशन यूज हुआ, मीन्स बैकग्राउंड से मीन्स सस्पेंडेड मोड से आप उसको एक्टिव मोड पे ला रहे हो, वो फोरग्राउंड पे ला रहा है, ये मेथड है। और लास्ट वन इज द टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन्स एप्लीकेशन आपने क्लोज कर दिया, मीन्स टर्मिनेट कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये कुछ स्टेज्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कितने स्टेजेस है, एक बार रिकॉल करा देते हैं। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल कंसिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स बिटवीन द लॉन्च ऑफ द एप्लीकेशन टू द टर्मिनेट ऑफ योर एप्लीकेशन, दीज आर द स्टेज, नॉट रनिंग, इनएक्टिव, एक्टिव, बैकग्राउंड एंड सस्पेंडेड। नॉट रनिंग मीन्स एप्लीकेशन इज नॉट रनिंग राइट नाउ मीन्स करेंटली, इनएक्टिव मीन्स यू आर टैपिंग एन आइकन और एप्लीकेशन आइकन, फिर उसके बाद ये फोरग्राउंड में तो आ गया लेकिन आप उसके अंदर कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे हो, उस केस में वो इनएक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव मीन्स आप एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, बैकग्राउंड मीन्स आपने
कुछ एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्शन दिए कि ये इवेंट आप प्रोसेस में चलाते रहो बैकग्राउंड में टिल कि मैं दूसरा एप्लीकेशन यूज करूँ या फिर दूसरा काम में कर लो। सस्पेंडेड मीन्स आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मीन्स एक ऐप तो नहीं है ना, मल्टीपल बहुत सारे ऐप हैं, लाइक मेल ऐप, कोई आप गेम खेल रहे हो लेकिन टाइम्स साइमल्टेनियसली एक कॉल आ गया, तो उस केस में क्या हो गया, आपने कॉल रिसीव कर दिया लेकिन जो आप एप्लीकेशन आप यूज कर रहे थे वो सस्पेंड मोड पे चला जाएगा, नॉट बैकग्राउंड, सस्पेंड मोड पे चला जाएगा। सो दिस आर द लाइफ साइकिल, इनएक्टिव, एक्टिव, बैकग्राउंड, सस्पेंड एंड नॉट रनिंग। और यू कैन से दैट पहले नॉट रनिंग आएगा, फिर इनएक्टिव आएगा, फिर एक्टिव आएगा, फिर बैकग्राउंड आएगा, सस्पेंडेड, डिपेंड करता है आप किस स्टेज को फॉलोअप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इनिशियली दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज, मीन्स नॉट रनिंग एप्लीकेशन, नॉट रनिंग, देन सेकेंड स्टेज इज ऑन दिस वन इनएक्टिव, ठीक है। देन ऑब्वियसली आप इसको भी यूज कर सकते हो या फिर सस्पेंडेड ही है, ठीक है। सो फर्स्ट वाज नॉट रनिंग, देन इनएक्टिव, देन एक्टिव, देन बैकग्राउंड और देन सस्पेंडेड। होप आपको एक बेसिक क्लैरिटी आ गया होगा कि क्या क्या स्टेजेस है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।